जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 है और 3.7 एक्सरसाइज हमारी टोटली जो है वो स्टेटमेंट वाली एक्सरसाइज है और इसमें ये बेसिकली एक तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टेटमेंट से हम पहले डाटा बनाते हैं, डाटा बना के फिर उसके बाद हम उसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, तो बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल की तरह ही है। इसमें ये मैच करती है हमारी एक्सरसाइज 3.2 को, 3.5 को। तो 3.2, 3.5 में और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स की तरह जो है वो हमें यूनिट्स नजर आएंगी, ठीक है। तो अब हम इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले जब हम इसको रीड करेंगे, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास द सरफेस एरिया अल्फाबेट हमारे पास क्या आया, ए, कैपिटल ए। फिर उसके बाद ऑफ क्यूब, क्यूब शेप का नाम है, वेरीज डायरेक्टली, तो ये हमने डायरेक्टली का सिंबल लगा दिया। एज स्केयर ऑफ लेंथ, लेंथ का सिंबल स्मॉल एल है और स्केयर ऑफ लेंथ का मतलब ये है लेंथ का क्या लिया जाएगा, स्क्वेयर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन बन गई। इसको दोबारा जरा हम समझते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया कैपिटल ए, सिंबल कैपिटल ए आ गया। ऑफ अ क्यूब, क्यूब का मतलब है कि ये एक क्यूब शेप है और क्यूब शेप का जो एरिया है वो किससे डिनोट हो रहा है, कैपिटल ए से, वो कैपिटल ए आ गया। वेरीज डायरेक्टली, ये मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एज स्केयर ऑफ लेंथ एल, सिंबल एल है और एल का क्या लिया जाएगा, स्क्वेयर होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी के, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट के आएगा, एल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास ए की वैल्यू हमें गिवन है 27, ए की जगह पे हम पुट करेंगे 27, के हमारे पास वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट एल की वैल्यू हमारे पास है 3, इसका स्क्वेयर होगा 3 का स्क्वेयर 9 और हमें यहां से k की वैल्यू चाहिए 27/9। तो स्टूडेंट्स, ये 27/9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास k का आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, k का आंसर आपके पास 3 आ गया, इस k की वैल्यू को जैसे हम 3.2 3.5 एक्सरसाइज में करते थे, इक्वेशन 1 में पुट करते थे, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, a is equal to 3l square, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि हमने फाइंड क्या-क्या करना है। यहां से हमने दो वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, तो हम इसमें दो पार्ट्स है हमारे पास, हम यहां पे पार्टीशन लगा देंगे, ये सेकंड पार्ट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो इसमें देखिएगा, उन्होंने पहले क्या लिखा है, फाइंड a, मींस आपने कैपिटल a फाइंड करना है और l की वैल्यू आपके पास क्या है, 4, और सेकंड पार्ट में आपने एल फाइंड करना है और आपके पास ए की वैल्यू है 12। तो स्टूडेंट्स, में देखिएगा, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 3, एल की जगह पे 4, और यहां पे आप इस पूरी चीज को बेशक कैलकुलेटर पे लिख लें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 48। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है, अभी हमने बात की थी कि ये न्यूमेरिकल से मैच करते हैं, तो आपने लास्ट पे क्या करना है, आप देख रहे हैं कि हर जगह पे जैसे ए की वैल्यू आपको दी गई है 27, तो 27 के साथ जो है इसकी यूनिट मेंशन है स्क्वायर यूनिट्स। इट मींस जहां पे a आएगा, a के साथ, a की वैल्यू के साथ हमने ये यूनिट मेंशन करनी है। जैसे हम न्यूमेरिकल्स में फोर्स की यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस लेंथ हाइट हमारी मीटर में होती है, इसी तरह से हमने यहां पे इसकी यूनिट मेंशन करनी है। जहां पे a आएगा उसकी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट्स, तो हमने इसके साथ जो है वो इसकी यूनिट एस क्यू फॉर स्क्वायर यूनिट, ये हमने साथ मेंशन करना है। अब सेकंड पार्ट में देखिएगा, हमने एल को फाइंड करना है, इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ए की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे 12, हमारे पास 3 वैसे आ गया, एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। अब हम टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पे स्क्वेयर रूट लेंगे, दोनों साइड्स पे हम स्क्वेयर रूट लेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे तो यहाँ पे हम साथ वैसे प्लस माइनस यूज करते हैं, मगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हम प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जब लेंथ्स आती हैं, लेंथ सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, तो उसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। इसलिए जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हम प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे,
ये कट गया यहां से, l इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब हमने ये देखना है लास्ट में कि इसकी यूनिट क्या लगाए, तो हम देखेंगे कि जहां पे हमें l की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू के साथ जो है वो क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स, तो हम इसके साथ लिखेंगे यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिएगा अल्फाबेट क्या आ रहा है, द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मींस हमारे पास सिंबल क्या आ गया, एस, डायरेक्टली। डायरेक्टली मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एस स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। आर का हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर। हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे, कांस्टेंट के आएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जहां पे एस आर है उसकी जगह वैल्यू पुट की 16 पाए, R की वैल्यू हमने पुट की 2, इसका आ गया स्क्वायर 16 पाई k, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, 16 पाई डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है k का, यहां पे कटिंग होगी तो 4 पाई जो है वो हमारे पास फाइनल k का आंसर आ जाएगा। अब ये जो k का आंसर है हमने इसको पुट करना है बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड r। आपने r जो है वो फाइंड करना है और s की वैल्यू आपको गिवन है 36 पाई। अब आपने ये वैल्यूज इसमें इक्वेशन 2 में पुट करनी है, s की जगह पे आ जाएगा 36 पाई इज इक्वल टू 4 पाई और r हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा ये 4r जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके डिवाइड होगा और r स्क्वायर हमारा रिमेनिंग बच जाएगा। अब यहां से जब हम कैंसिलेशन देखेंगे, पाई का सिंबल पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 का 36, यहां पे हमारे पास बच जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स इसमें हम वही चीज करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि यहां पे यूनिट हमने लगानी है या मेंशन नहीं करनी, वो हमें पता कैसे चलेगा। हमने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है कि जहां पे r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है क्या उसके साथ कोई यूनिट मेंशन है। यहां पे r की वैल्यू सिंगल 2 मेंशन है, यानी कि r के साथ कोई यूनिट हमने मेंशन नहीं करनी, तो यही हमारा r इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट हम सबसे पहले देखेंगे, इन हुक्स लॉ, ये वैसे ही लॉ का हमें एक नेम मेंशन है। सिंबल हमारे पास फोर्स का सिंबल हमारे पास आ गया एफ, ये हम एफ आ गया। उसके बाद डायरेक्टली, डायरेक्टली का सिंबल आ गया एस, एस तो हमारे पास एस आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें से इक्वेशन जनरेट करनी है, तो इक्वालिटी में जब हम इसको चेंज करेंगे कांस्टेंट के आएगा, साथ हमारे पास एस आएगा, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास एफ की वैल्यू 32 है, तो एफ की जगह पे हमने 32 पुट किया, के हमारे पास कांस्टेंट है, और फिर उसके बाद एस की वैल्यू हमारे पास 1.6, ये 1.6 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके जब डिवाइड होगा 1.6, तो ये दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कैलकुलेटर से 20 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये के का आंसर जो हमारे पास 20 आया, अब हमने इसको करना है बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, f इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 20 और साथ हमारे पास आ जाएगा s, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन जाएगी 2। तो स्टूडेंट्स अब आपने 2 पार्ट्स जो है वो इसमें फाइंड करने हैं। अभी तक हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, अब हमने पार्ट्स देखने हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास उसमें लिखा हुआ फाइंड s, यानी कि आपने s को फाइंड करना है। f की वैल्यू आपके पास 50, lb फॉर पाउंड, ये यूनिट हम मेजर करते हैं, जैसे मास केजी में मेजर होता है, इसी तरह
यूनिट जो है हमारी मेजरेबल यूनिट्स हैं वो उसमें यूनिट है पाउंड, पाउंड को हम किससे शो करते हैं एलबी। जैसे हम बेकरीज में कहते हैं कि इतने पाउंड केक, तो इसमें जो है वो हमारी जो मेजरेबल यूनिट है वो पाउंड है और इसको हम एलबी सिंबल से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसमें सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे, एफ इज इक्वल टू 20s। यहां पे हमने f की जगह वैल्यू पुट कर दी 50, 20 अपनी जगह पे आ गया। s हमने फाइंड करना है, यहां पे s यहां पे रहेगा, 20 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके डिवाइड होगा। जब कैलकुलेटर पे आप 50 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो आपके पास s का जो आंसर है वो 2.5 आएगा। अब आपने ये देखना है कि s जो है क्वेश्चन में इसके साथ क्या कोई यूनिट मेंशन है, तो स्टेटमेंट में देखिएगा जहां पे s की वैल्यू आई है 1.6 उसके साथ यूनिट मेंशन है IN। IN का मतलब है इंचेस। अब यहां पे भी s के साथ जो है वो IN लिखा हुआ है, इसका मतलब जहां पे s आएगा आपने उसके साथ जो है वो IN मेंशन करना है, और IN का मतलब फॉर इंचेस कि हम इसमें जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो इंचेस में ले रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें सेकंड पार्ट में आपने f जो है वो फाइंड करना है, s की वैल्यू आपके पास जो है वो 0.8, IN का मतलब इंचेस। तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन ही यूज करेंगे, f इज इक्वल टू 20s। अब हमने f तो फाइंड करना है, s की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पे 0.8। अब जब आप कैलकुलेटर पे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 16। अब आपने ये देखना है कि f के साथ कोई यूनिट तो नहीं मेंशन करनी, f जो है जहां पे f आया है उसके साथ यूनिट उसकी एलबी फॉर पाउंड। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसके साथ एलबी जो है वो मेंशन करने है, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमारा जो टारगेट होगा एक्सरसाइज 3.7 और इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स ये हमारा टारगेट होगा।